द पीपल मार्ट के एम्प्लॉइज ने किया बड़े पैमाने पर हंगामा और मचाई तोड़फोड़। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट सोहेल होटल के पास मौजूद द पीपल मार्ट के एम्प्लॉइज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्हें काफ़ी महीनों से सैलरी नहीं दी जा रही थी। इससे कबल द पीपल मार्ट के जिम्मेदारान के खिलाफ इस सिलसिले में चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी और आज कंपनी के अहम जिम्मेदारान ने बतारीख 10 दिसंबर को तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें देने का वादा किया था, लेकिन आज भी इस वादे से जिम्मेदारान मुकर गए। तमाम मुलाजमीन ने बरहमी का मुजाहरा पेश करते हुए पीपल मार्ट में ज़बरदस्ती दाखिल होकर सामान के साथ की तोड़फोड़। तमाम सामान को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद बरहमी का मुजाहरा करते हुए तमाम एम्प्लॉइज़ ने किया बड़े पैमाने पर एहतजाज और मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें जल्द अज़ जल्द अदा की जाए। कंपनी के अहम जिम्मेदारान जो कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो इसी तरह तमाम मुलाजमीन को जहां पर तकरीबन 66 पीपल मार्ट के शोरूम्स बताए जा रहे हैं, तमाम मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें अदा करने के लिए सता रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन मायूसी का शिकार हो रहे हैं। वहां के मुलाजमीन ने मीडिया से बात करते हुए इस खसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। मैं उसकी मदर हूँ, मैं ई स्टोर के, हाँ ई स्टोर की मदर हूँ, उसके बच्चे की मदर हूँ मैं। 5 महीने से पैसे नहीं दे रही, अम्मी डेट पे डेट दे रहे हैं, बोलते मैं मैं जाके सबके पूरे स्टाफ होंगे नहीं, मेहनत सैलरीज नहीं दे रही, कैशियर के हेड काउंटर है बच्चा मेरा, पैसे नहीं दे रहे। मंथली 1 मंथ बोले चलेगा, 2 मंथ बोले चलेगा, 4 मंथ 5 मंथ से वेट करी सर मई, पूरा दूसरी जगह बाहर से खर्चा करे, खर्चदार हम बैंक वाले हमारे घर पे आ रहे, हमको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सर, कहीं नहीं हुआ ऐसा। 40,000 रुपए आना है, 60-70 हज़ार दूसरों के आने के है भी। आप लोग कितने दिन से नहीं दे रहे सैलरी? 6 महीने से नहीं, उससे पहले भी आए थे, खाली डेट दिए फिर चले गए, खामोश बैठ के चले गए। ये 10 तारीख को क्या बोले उन्होंने, शुरू से उन्होंने 10 तारीख को क्या बोले, आप लोग आइए 10 तारीख को मिल जाता पैसा, बोले नहीं दे सके तो कुछ ना कुछ करो आपकी मर्जी। मैनेजर का नाम क्या है, स्टोर मैनेजर कौन है? इब्राहिम। तो आप लोग आके इससे पहले भी नहीं बोले सैलरी कहीं क्यों नहीं दे रहे, क्या रहे? बराबर पूछे फिर डेट दिए उन्होंने, क्या बोल रहे ये महीने ये डेट पे आपकी सैलरी आ जाती, बोले अकाउंट नंबर भी लिए, सो पूरे डिटेल्स लिए, हाँ हर तला से हर चीज से दे दिए, पूरे दे देने के बाद भेज दिया कर दिया, फिर गलती हुई बोले इतने बच्चे ठहरे हुए लॉगिन की वजह से, पूरे सैलरी की वजह से है, पूरी सैलरी पूरे स्टाफ है एम्प्लॉय पूरे सैलरी के। डेट है मेरी ये मंथ की 2022 जून 15, जब से चढ़ा अब तक पूरी मेरी सैलरी नहीं आई, 1 रुपया नहीं करे, शुक्र करो फिर भी मैनेजर अच्छे थे, जो भी हुआ उनसे करे, उन्होंने बोल रहे ये डेट देते वो डेट देते, बोल रहे 5 मिनट भी दुकान लेट खोली तो वो आरिफ बहन का उसकी लाहौल वाला खत, मगर आरिफ बोलता 5 मिनट दुकान से कहीं को खोले, हाँ अगर बोलता फ़ोन करके एक बड़े बात बहुत हो रहे हैं, कैमरे के सामने रहते स्टाफ बैठा हुआ, कैमरे के सामने नहीं दिखते बोलते, अरे भाई पेशेंट से अल्लाह ऐसा नहीं बोले, पेशेंट से हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर रहता, उन्होंने बोल रहे हैं सैलरी नहीं देते। जून 15 से ज्वाइनिंग डेट है मेरी, 1 रुपया ढेला नहीं लगा हाथ को मेरे, 1 रुपया जून 15 खामोश बैठे, वारिफ बोलता कैमरे में नहीं दिख रहे, वो नहीं दिख रहे, मैं वाला पैसे आप देते इज्जत से भी आगे बात करें, हमको कोई शौक नहीं है लड़ने का करने का, अगर कोई पैसे नहीं दे रहा, उन्होंने खुद बोले पैसे नहीं दिए तो हमला मार, हमारा आके गला पकड़ो, आप हमारे से बात करें, सैलरी देने वाले भी हमला ही छे बोल रहे हैं, तो ये कहाँ है पैसा, कहाँ है, कहाँ चले गया? श्रद्धा सर बोल रहे हैं बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, पूरा फ्लैट बेच के पैसे देता हूँ, बोल रहे हैं अपने कहाँ है पैसे, कहाँ है बोलो। फिर अकबर सर बोले नवंबर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग सुना तो ठहरो, ऐसा कैसा नहीं होता। अकबर सर बोले नहीं हम नहीं देते, हम क्या कर सकते, और मुकरन सर बोले बड़े तमीज की तमीज़ नहीं है आपको, हेला हर चीज़ की तमीज़ है, हम हर चीज़ की तमीज़ करते, वैसा नहीं हर एक की रिस्पेक्ट है, जब इंसान अपनी खुद अपनी इज्जत उतारे रहा तो कोई किसी की इज्जत नहीं करता, चाहे मोमिन रहें तो नॉन मुस्लिम रहें तो, बात वैसी बड़ी बात नहीं है, जस्टिस जस्टिस रहता सब खलास तय रहता, पैसे होना आज पानी सर के पर हो गया, चलो पहले आज नहीं तो कल कर ले, तो उम्मीद रहती भाई एक इंसान को। कितने लोगों की सैलरी बात है? पूरे तकरीबन हैदराबाद में जितने भी स्टोर्स है, एक जनों की भी स्टोर टोटल हैदराबाद में तकरीबन 66 स्टोर्स है, हर एक की सैलरी नहीं बोले तो भी 60,000 तो मिनिमम आना है। करे 30 तारीख नवंबर 30 को चादरघाट PS ऐसा पुलिस वाले खुद धमका के गए 30 को बोल के, अब पुलिस वालों को तो नहीं मालूम 30 को देते 10 तारीख को देते बोल के, नहीं हमला तो
देखा है, मैं तो मैं दूसरी जगह था मैं इस वक्त, या मेरे को पूरी न्यूज़ आती रहती डेली की, इसलिए बोले ये तो अगर आप लोग क्या कर सकते करो बोले। अब आप लोग का क्या है, अब क्या करना चाह रहे हैं, आपका बता लो क्या अमाउंट दे दो भाई, हम लड़ना नहीं चाह रहे भाई, अमाउंट दे दो, हम लोग काम इज्जत से चल जाते। देखो हम लोग क्या सोचे, चलो भाई ना पैसे नहीं दे रहे हैं, स्टोर मैनेजर से किसी से बात हुई कुछ? हाँ, स्टोर मैनेजर खुद बोल रहे हैं, स्टोर मैनेजर को खुद धमकियाँ दिए, नहीं देते भाई बच्चों को, बोल दिए कहाँ से लेंगे। मेन ओनर से आप लोग की बात नहीं हुई? मेन ओनर देखो ये चाहिए लगा जो भी है मुकरम इन से भी हमारे जो लगाए जॉब भी लगाई जो भी इनसे बताया बोला इनसे कंपनी से नहीं है स्टोर के मेन ओनर बोल रहा हूँ जो मेन स्टोर हामिनी रेड्डी बोलकर है स्टोर के ओनर है उन्होंने क्या बोल रहे हैं उनके खुद 25 लाख डूबे हुए हैं स्टोर पे पैसा नहीं आ रहा कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं माल नहीं आ रहा क्या आ रहे हैं आते 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 बोल के कस्टमर जहर खा के मर जा रहा मगर पैसा नहीं आ रहा फिर स्टोर पूरा भरे हुआ कैसा चल रहा है ये अबे है ये सब अबा है ये स्टोर भरा हुआ का भरा हुआ दे ऐसा तो हमारे पास भी है ये सब ये दालचीनी का पट्टा है ये दाला वाला कुछ नहीं होते माल कहाँ है लेने के देले जो चीज़ इंसान को जो जरूरत रहती वही नहीं रहता जब भी कस्टमर आता वो नहीं रहता इसलिए मेरे को मेरा अमाउंट दे दो मैं खलास क्लोज द मैटर मेरे को होना अमाउंट नहीं मिला उन्होंने बोले और वो आपके हिसाब से 150 बच्चे बोल रहे हैं आप कितनी पड़ती सैलरी करीब से करीब 40,000 रुपये पड़ती किसी की 30,000 रुपये पड़ती मैक्स मैनेजरों की हद तक तो 70,000 पड़ती एक एक मैनेजर की तो नहीं बोले कि कितने लाखों का पैसा आया करोड़ों तक चल जाती है एक एल बी एस टूनर की बच्ची है उसके 1.5 लाख रुपये देना है कहते कभी 1.5 लाख जिंदगी में देखे ओके आते 1.5 लाख नहीं आते फिर कहाँ से होता ये सब नहीं होता। हमारी बेटी जो है जॉब कर रहे थे 5 महीने से 10 तारीख को आओ 15 तारीख को आओ 20 तारीख को आओ 21 तारीख को आओ अब जो है ना उन्हें उसका ओनर का बेटा है कहते गुंडों को बुला रहा मार रहे तोड़ रहे बोल के गुंडों को बुला के पूरा कैमरा उधर घुमाओ वो पूरा गुंडा मिल के जो आके ठहरे वो ओनर ओनर का दादा था कहते उन्हें भाग गया आपकी बच्ची की 21,000 रुपये तो आप अब तक नहीं बोले अब तक नहीं बोले सिर्फ डेट लेके चले गए हम उनको इससे पहले ही बोले हम बोले देखिए नहीं 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 जी एक रुपया भी नहीं जी क्या बोले आपको डेट दिया खाली 10 तारीख को आओ 15 तारीख को आओ 11 तारीख को आओ हम वो तारीख को बराबर आए पूछे इनको और फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं उठा रहे आपकी बच्ची के पैसे अकेले बात है और भी नहीं 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 तकरीबन जो है तो 60-70 आदमी है तकरीबन हर स्टोर के जो है तो लोगों के पैसे बाकी है आपकी बेटी की कितने महीने की सैलरी बाकी 21,000 रुपये आने का है दो महीने 5 महीने से 2 महीने की सैलरी के लिए फिर तो मेन ओनर कहाँ है आप नहीं मिले नहीं अपॉइंट करे सो वाले भैया मुकरम साहब है ये जो जर्किन पे पटौंगी ठहरे ना इन्हों अपॉइंट करे और वहाँ का मैनेजर था खुद्दूस साहब ये हमारी बच्ची को इन्होंने जो था अपॉइंट करे तो खुद्दूस भाई क्या हुआ क्या इशू है